हेलो फ्रेंड, मैं अनिल गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका एसटीपी क्लासेस में। और आज की कोई वीडियो हमारी जो है कोई एकेडमिक सब्जेक्ट को लेकर नहीं है। और आज की वीडियो हम जो शूट करने वाले हैं, जो आपको वीडियो देखने को मिलेगी, वो वीडियो है कॉलेज से रिलेटेड। जो अभी बच्चे ग्रेजुएशन में हैं या जो बच्चे थर्ड ईयर कर चुके हैं, बच्चों के कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच में कन्फ्यूज़न है कि उनका एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा, तो उसी की रिगार्डिंग आज हमने ये वीडियो बनाई है। बहुत सारे बच्चों की कॉल्स आ रही थी मेरे पास, जो मेरे पास पढ़ते हैं बच्चे, कि भैया एग्ज़ाम होंगे या असाइनमेंट होंगे, तो किस तरह से असाइनमेंट होंगे। तो इसी के ऊपर हमने सोचा कि पर्टिकुलर सिंगल बच्चे को ना बता के एक वीडियो क्रिएट कर दी जाए, ताकि उनको आगे प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस करना ना पड़े। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आगे हमारी जितनी भी वीडियो आएँ तो आपको नोटिफिकेशन इसका मिलता रहे कि आने वाले महीने में, मतलब जुलाई में, कौन कौन से ईयर के बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूँ, सबसे पहले जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे होंगे वो होंगे थर्ड ईयर के बच्चे। जो बच्चे इस साल थर्ड ईयर के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके एग्ज़ाम जुलाई में होने, वो भी घर बैठे ऑनलाइन तरीके से एग्ज़ाम होगा। और बाकी बात रही कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चों का क्या होगा, या फिर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के बच्चों का क्या होने वाला है, वो उनका एग्ज़ाम होगा या नहीं, तो इस बात का डिक्लेरेशन पहले ही हो चुका है। SOL ने पहले ही कह दिया है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का कोई भी एग्ज़ाम अभी होने वाला नहीं है। इनको केवल इंटरनल बेसिस और असाइनमेंट बेस्ड, जो कि अभी वो अपलोड किया गया है, असाइनमेंट बेस्ड आपका क्लियर होगा। तो फर्स्ट जो SOL की तरफ से जो गाइडलाइन आई है, उसमें एक बोला गया है कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और सेकंड ईयर के बच्चों के लिए असाइनमेंट वो डाउनलोड कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड से। और इन असाइनमेंट को करना कैसे, ये हम अगली वीडियो में आपको बताने वाले हैं। बट इस एग्ज़ाम इसमें बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, कौन कौन बच्चा ये असाइनमेंट बनाएगा। तो मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और सेकेंड ईयर। अब एक चीज़ और नोटिफिकेशन के अंदर रहती है कि एक्स स्टूडेंट, तो बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि एक्स स्टूडेंट कौन। मान लो कि जैसे इस साल कोई किसी बच्चे की, मतलब थर्ड ईयर उसकी कंप्लीट हो चुकी है, बट उसका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में किसी कारणवश उसकी बैक आई हो, तो वो बच्चा आने वाले जुलाई में, मतलब जुलाई 2020 में उसका एग्ज़ाम होगा, वो भी होगा घर बैठे ही ऑनलाइन। वैसे ही जैसे ये एग्ज़ाम होंगे, ये केवल जो बच्चों की बैक थी और फाइनल ईयर में थे, मतलब फाइनल ईयर उनकी क्लियर हो चुकी है, बस उनके बैक के एग्ज़ाम देने इस साल। और बात करें कि वो बच्चे जो सेकंड ईयर का जिनका एग्ज़ाम होने थे, तो वो तो अपना असाइनमेंट देंगे ही देंगे, बट अगर ऐसे बच्चों की फर्स्ट ईयर में अगर बैक आई हो तो उनका क्या होगा, बच्चों को ये भी दिक्कत है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए SOL ने कहा है कि नेक्स्ट ईयर जब वो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम देंगे, तो फर्स्ट ईयर की जो बैक के एग्ज़ाम होंगे वो उस समय ले लेंगे, बट असाइनमेंट उन्हें इस साल केवल सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स का ही देना है। और वैसे ही फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चों के लिए भी मैं बता देता हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए, कि जो जितने सब्जेक्ट उनके फर्स्ट सेमेस्टर में थे और सेकंड सेमेस्टर के, आई थिंक 4-4 सब्जेक्ट हैं, 4+4 8 सब्जेक्ट आपके टोटल बैठते हैं फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के। तो दो इन 8 सब्जेक्ट के आपको असाइनमेंट तैयार करके डाउनलोड करने हैं, पहले आपको डैशबोर्ड से, फिर उसको अपलोड करना है। तो अपलोड कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है, ये आपको अगली वीडियो में आपको पता चलेगा कि किस तरह से अपलोड करना है, किस तरह से आपको असाइनमेंट को करना है। तो एग्ज़ाम जो जिन बच्चों का होगा अगले महीने, वो है थर्ड ईयर के स्टूडेंट, जो कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट होंगे वो बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे। और साथ में और कौन बच्चा एग्ज़ाम देने जाने वाला है, या कौन बच्चा एग्ज़ाम देगा, जाने वाला कोई कहीं भी नहीं, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जाने वाला कोई नहीं है, सभी को घर बैठे ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है। तो कौन कौन बच्चा एग्ज़ाम देगा, तो मैं आपको बता दूँ, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स आपका एग्ज़ाम देने अभी एग्ज़ाम देंगे, जो कि जुलाई में स्टार्ट होंगे, जुलाई फर्स्ट से 18-19 दिन के अंदर ये पूरा प्रोसेस होने वाला है कि 18-19 दिन में सभी एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। वहीं पर और कौन बच्चा एग्जाम देगा, तो एग्जाम देंगे एक्स स्टूडेंट्स। अब आप सभी बच्चों को इस बात में दिक्कत है कि भैया ये एक्स स्टूडेंट कौन है, बैक वाले बच्चे एक्स स्टूडेंट है या जो पहले SOL के स्टूडेंट थे वो। तो मैं आपको बता देता हूँ, जिन बच्चों की फाइनल ईयर कंप्लीट हो गई है मगर किसी कारणवश, मतलब जिन बच्चों की थर्ड ईयर क्लियर हो गई मगर किसी कारण से उनकी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर बैक आई हो, तो वो बच्चों का भी एग्ज़ाम होगा जुलाई में।
तो जुलाई 2020 में एक्स स्टूडेंट्स का भी एग्जाम होने वाला है। अब बात करते हैं हम फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का। तो मैं आपको बता दूं, इन सभी बच्चों का, जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सेकंड सेमेस्टर या फिर हम बोल सकते हैं सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, इन सभी को किसी तरह का एग्ज़ाम नहीं देना, केवल उनको असाइनमेंट ही क्लियर करना है। और असाइनमेंट किस तरह बनना है, कैसे अपलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, ये हमारी अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। बट असाइनमेंट देना किस किस को है वो जरा देखेंगे। जरा एक तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को असाइनमेंट देना है, सेकंड सेमेस्टर के बच्चों को असाइनमेंट देना है अगर मैं बोलूं, और आपको मैं बता देता हूं सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को, सेकंड ईयर के स्टूडेंट को बच्चों को असाइनमेंट देना है। एक चीज और यहां पर कंफ्यूजन पैदा करती है कि जो बच्चे सेकंड ईयर के एग्जाम देने वाले थे और उनमें से किसी बच्चे की फर्स्ट ईयर के अंदर बैक आती है या बैक हो तो उन बच्चों के एग्जाम क्या होंगे। तो मैं आपको बता दूं, उन बच्चों के एग्जाम इस साल नहीं होंगे, वो जब फाइनल ईयर के अगले साल एग्जाम देंगे तब होंगे। इस साल जो सेकंड ईयर के जो एग्जाम देंगे वो असाइनमेंट बेस पे पास कर दिए जाएंगे। अब असाइनमेंट के लिए मैं आपको बता देता हूं, तो हम बात करते हैं असाइनमेंट। तो असाइनमेंट किस तरह आपको मिलेगा और किस तरह करके आपको अपलोड करना है, तो मैं आपको बता दूं, अगर सभी बच्चों के पास अपने अपने SOL के आई कार्ड होंगे, SOL के आई कार्ड में अगर आप देखोगे SOL का रोल नंबर है और साथ में बार कोड भी है आपके फोटो के जस्ट ऊपर। तो ये बार कोड है, ये डाल के आप अपने SOL लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद एक डैशबोर्ड आएगा जिसके ऊपर ऊपर ही एक लिंक आएगा कि अपलोड और डाउनलोड असाइनमेंट। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करने के बाद आपको असाइनमेंट मिल जाएगा। और असाइनमेंट करना कैसे इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसके लिए हमारी अगली वीडियो आप जरूर देखें। आई होप सभी को पता चल गया होगा कि असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करना तो मैंने आपको बता दिया, करना कैसे ये आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। तो होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा कि किसको एग्ज़ाम देना है, किसको असाइनमेंट देना है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो